हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अकरेंस इन फंजाई। तो जो फंजाई होते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्राइमरीली ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनमें से जो कुछ होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ होते हैं वो मेराइन होते हैं। इनका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है हमें पोलर से लेकर ट्रॉपिकल रीजन्स तक। काफ़ी जो स्पीसीज होते हैं फाइकोमाइसिटीज़ के, ये हमें वाटर में भी मिलते हैं और इनको हम एक्वेटिक फंजाई बोलते हैं। और जो काफ़ी स्पीसीज़ होते हैं वो हम नेक्ड आई से यानी कि खुली आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि मशरूम पे लगने वाली जो फंजाई होती है मोरल्स फंजाई होती है, पफ बॉल्स, ब्रैक्ट फंजाई, कप फंजाई, ये सब। और दूसरी कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक भी होती है। जो पैरासिटिक फंजाई होती है डिजीज़ कोर्स कर सकती है वास्कुलर प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स पे और ह्यूमन बींग्स पे भी, और ये स्टमक के अंदर डिसऑर्डर भी कर सकते हैं और स्किन डिजीजेज भी कर सकती है। जो फंजाई होती है ये एयर में भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। इसलिए ये सैप्रोफाइट और सिम्बायोंट, सेप्रोफाइट्स होते हैं, सिम्बायोट रिलेशनशिप को ही शो करते हैं। हम फंजाई को कॉस्मोपॉलिटियन भी बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, क्योंकि ये हर जगह पे मिलते हैं। ठीक है, ये जो फंजाई होती हैं जैम, ब्रेड, फ्रूट, नेल्स पे, हेयर्स पे, इन सब पे भी ग्रो करते हैं। जो लाइकिंस होती हैं ये फंजाई, जो लाइकिंस होती है एसोसिएशन होता है फंजाई का जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का एंड साइनोबैक्टीरिया का। सो दिस इज ऑल अबाउट द अकरेंस इन फंजाई। Thank you for watching, like this video.